अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज जो है जुम्मा है, इसलिए सबको जुम्मा मुबारक। और अभी जो है ना, ये कपड़े रात में धो के रखे हुए थे, काफ़ी देर हो गई थी, सुबह तार पे नहीं डाले थे, क्योंकि तो पता है आपको कि आजकल जो है ना बारिश वगैरह जो काफ़ी हो जाती हैं रात के टाइम पर, ख़ास तौर पर बारिश जो है ना स्टार्ट हो जाती है, फिर कपड़े उतारना मतलब भूल जाता है, जहन में नहीं रहता। तो फिर मैंने रात में नहीं डाले थे, अभी दिन में इनको बाहर बिछाया था और काफ़ी हद तक जो है ना ये सूख चुके हैं। तो अभी 2 मिनट और रुकेंगे तो फिर से ज़रा जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि धूप जो है ना वो काफ़ी तेज़ है और बादल शादल आए हुए हैं। सुबह जो है हम लोग पहले चले गए थे नानी लोगों के घर पे, क्योंकि नानी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो वहाँ चले गए थे। और अभी घर आके जो है थोड़े काम शाम करने, अभी खाना जो है वो बनाना। और आज वैसे भी फ्राइडे था, जिसकी वजह से जो है ना आज शॉप से जो है वो ऑफ है। अगर जाएंगे भी तो अबू और भाई जो है वो ही जाते हैं, मैं फ्राइडे में नहीं जाती। चलें अभी मैं जाती हूँ किचन में और जाके कुछ खाने का देखती हूँ कि आज क्या बनाना है। अभी जो मैं अपने लिए एक ना एप्पल काट के लाई, कुछ खाने का दिल चाह रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो सेब ही काट के खा लेते हैं। और उसके बाद जो है साथ साथ सोचती हूँ कि क्या बनाना है। पहले मेरा इरादा था कि मैं बनाऊँगी कढ़ी पकौड़ा, लेकिन अभी जो है गेस्ट ने आना है, जिस वजह से जो है ना फिर चेंज किया इरादा कि चिकन वगैरह वो बनाऊँगी। तो देखें कि क्या बनता है और क्या होता है। और अपने लिए तो खैर अभी दोपहर के लिए ना, क्योंकि गेस्ट जो उनको खाना अगर हमने देना है ना तो वो शाम में देना है, तो शाम में फिर सोचेंगे क्या बनाना है। अभी तो अबू के लिए और अपने लिए ना ज़्यादा ज़्यादा मैं अंडे हैं वो फ्राई कर लूँगी, क्योंकि उस पर जुम्मे की नमाज़ का टाइम होने वाला है, तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं कुछ और बनाऊँ। और चिकन भी ज़्यादा फ्रीज़ हुआ होता है, उसको फिर अभी निकाल के बाहर रखना पड़ेगा, तो टाइम लग जाएगा काफ़ी। साथ साथ जो मैं आपसे खा रही थी और मोबाइल वगैरह जो वो चेक कर रही थी। साथ जो है वो नानी लोगों के घर से आते ही जो है ना सो गया था, बस वो ज़रा सा कहीं बाहर जाता है ना थोड़ा सा खेलता कूदता है, तो फिर वो उसको नींद आ जाती है, थक जाता है, अब दूध पीता है और सो जाता है। यहाँ पर जो 1 बजे का टाइम हो चुका है और मैं बना रही हूँ रोटी। मुझे अब जो है ना इस टाइम बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा मैं एक रोटी किसके साथ खाऊँ, ना अंडा खाने को मेरा दिल चाह रहा है और ना अचार खाने, क्योंकि अचार के लिए पराठा ज़रूरी होता है और मैं नहीं चाह रही थी कि मैं इस टाइम पराठा खाऊँ, तो मैंने सूखी रोटी बनाई है। तो मजबूरन अब अंडा ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि आज इत्तेफाक से जो ना लेफ्ट ओवर कोई सालन वगैरह की कोई ऐसी चीज़ जो है वो नहीं पड़ी हुई, जिसकी वजह से आज अंडे से गुजारा करना पड़ेगा। बचपन में हम लोग बहुत खाते थे, सिंपल ऐसी रोटी बनाते थे और ना अंडे तवे पे सिंपल फ्राई करके ना, तो बहुत ज़्यादा खाते थे और दिल भी करता था, लेकिन अब नहीं खाने को दिल करता अंडे वगैरह इस तरह। यहाँ पर जो 1 बजे का टाइम हो चुका है और मैं बना रही हूँ रोटी। मुझे अब जो है ना इस टाइम बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा मैं एक रोटी किसके साथ खाऊँ, ना अंडा खाने को मेरा दिल चाह रहा है और ना अचार खाने, क्योंकि अचार के लिए पराठा ज़रूरी होता है और मैं नहीं चाह रही थी कि मैं इस टाइम पराठा खाऊँ, तो मैंने सूखी रोटी बनाई है। तो मजबूरन अब अंडा ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि आज इत्तेफाक से जो ना लेफ्ट ओवर कोई सालन वगैरह की कोई ऐसी चीज़ जो है वो नहीं पड़ी हुई, जिसकी वजह से आज अंडे से गुजारा करना पड़ेगा। बचपन में हम लोग बहुत खाते थे, सिंपल ऐसी रोटी बनाते थे और ना अंडे तवे पे सिंपल फ्राई करके ना, तो बहुत ज़्यादा खाते थे और दिल भी करता था, लेकिन अब नहीं खाने को दिल करता अंडे वगैरह इस तरह। आज फिर जो है ना गैस जो है काफ़ी कम है, जिस वजह से ना रोटी सूख सूख के बन रही है। मुझे गैस का बड़ा प्रॉब्लम है और अभी विंटर स्टार्ट नहीं हुए और गैस जो है उसका मसला बन गया।
हम लोग ने जब फ्राई अंडा खाना होता ना, अगर वैसे नॉर्मल रोटी के साथ, एक तो ऑमलेट बनता है सर नहीं, दूसरा तो इसमें ना पहले बस थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं। और कौन कौन बनाता है इस तरह से, मिर्ची बताएंगे, इसमें डाल देंगे अंडा, ऑयल डालते हैं थोड़ा नमक में, गैस पैन जो है वो मैं चलाना भूल गई, अभी मुझे याद आ रहा। अंडा हमारा हो गया रेडी, यहाँ पे जो मैं बस अभी खाना खा रही हूँ और अजाने जो हैं वो हो चुकी हैं, उसके बाद जो है नमाज पढ़ूंगी। जितनी हालांकि भूख लगी थी ना, उतना खाने का मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं अभी आलू वाले पराठे बनाने का सोची तो फिर उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता, हालांकि मेरा कुछ ऐसा ही खाने का दिल चाह रहा था, लेकिन टाइम बहुत थोड़ा था। फिर नमाज को जो है ना देर हो जाती है। यहाँ पर जो है ना मैंने साथ के लिए भी कस्टर्ड बनाया ताकि थोड़ा सा खा लेगा, और बीच ना ये केले और ये पड़े हुए थे एप्पल, और केले जो है ना ऐसे पड़े पड़े ख़राब हो रहे थे, जो नहीं खाता तो मैंने कहा चलो मैं इसको खिला कर देखती हूँ क्या पता ये खा ले। तो ये मैं छोटे फ्रूट्स जो है ना इस तरह काट के ना दोनों चीज़ें, मैं कस्टर्ड जो है मैंगो वाला फ्लेवर का वो मैंने बनाया हुआ, उसको मैं दूंगी ताकि थोड़ा सा यहाँ पे जो है ये मेरा कस्टर्ड जो है मैंने पहले साथ साथ तैयार कर लिया था, उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। अब मेरा अपना भी बड़ा दिल चाह रहा था कि जो है ना मैं ये फ्रूट्स वाला जो कस्टर्ड है इस तरह बनाऊं, और साथ में ना केक के जो वो पीसेस बीच में डाले जाते हैं ना, वो जो फ्रूट केक होता है उसका टेस्ट भी ना कस्टर्ड में बहुत ज़बरदस्त आता है। हल्का सा आप चॉकलेट सिरप उसके ऊपर कर लें, डेकोरेशन से कर लें, और थोड़ा सा आप केक के स्लाइसेस भी और फ्रूट्स हों, क्या ज़बरदस्त ना टेस्ट आता है। और हमारा जो फेवरेट फ्लेवर है ना कस्टर्ड का वो बनाना है, बल्कि वनीला वगैरह भी ट्राई करते हैं, लेकिन मैंगो बेस्ट है शुरू से, वही हमारे घर में ज़्यादातर यूज़ होता है। लाइट जो है वो जा चुकी है, इस वजह से मैं अभी जो है ना टीवी लाउंज में साइड पे हमने आयरन स्टैंड रखा हुआ, तो वहाँ पे खड़े होके मैं ये डालने लगी हूँ क्योंकि अब नज़र नहीं आएगा, यूपीएस जो है वो हमारा ख़राब है। इसलिए थोड़ी सी जो वीडियो है वो लास्ट में इस तरह से अंधेरा हो चुका है। फिर मैंने बस सिर्फ जो है ना सिंपल ना किशमिश ऐड किए थे, वो भी साथ से नहीं खाता मैं, खा लूंगी अच्छे से मिक्स कर दूँ, बहुत यम्मी हो जाता है। चाहे तो ऊपर से डेकोरेट करें अगर आपके बच्चे शौक से खाते हैं, मेरे पास बचे हुए थे तो मैं कर रही हूँ, वरना मेरा बेटा तो नहीं खाता, वो वैसे बनाना फिर भी खा लेते हैं, कस्टर्ड वगैरह में डाला हो ना।
फिर उसको थोड़ा अजीब लग रहा था, वो नहीं खा था भाई, ये पता नहीं क्या डाल दिया, चिकन वगैरह हो गया, बल्कि बोटी वगैरह किसी भी किस्म की हो ना वो नहीं खाता। सिंपल चावल वगैरह खा लेगा और बोटी वगैरह ना वो अगर डाल देना तो वो उसको कचरा बोलते हैं, कहते उसके ऊपर ना कचरा आ गया, कचरा। तो ये मैं साथ को भी बस खिलाती हूँ और अच्छा लग रहा है देखने में, खाने में भी मज़े का होता है, लेकिन जो है ना अब लाइट जा चुकी है, ये सही से जो है ना वाजह क्लियर नज़र नहीं आ रहा, तो मैं जा खिलाती हूँ साथ को। आज की वीडियो जो है ना हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।